नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने समाज सेवी धूरी यादव हत्याकांड मामले की समीक्षा, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का किया दावा। भागलपुर डीआरडीए सभागार में आंतरिक संसाधन की हुई बैठक, डीएम ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश। बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हार्डकोर नक्सली शंकर तुरी को पुलिस ने पहाड़िया गांव से किया गिरफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल का किया निरीक्षण, दवा से लेकर इलाज तक की ली जानकारी। और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। एक हफ्ता पूर्व शहर में हुए 3 हत्याओं में अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और ना ही इन घटनाओं का खुलासा हुआ है। सोमवार को एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर हत्या से जुड़े 3 मामलों की समीक्षा की। एसएसपी ने धूरी यादव हत्याकांड, दीपक यादव हत्याकांड और नाथनगर में छठवर्ती की बम मारकर हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि सिटी एसपी के नेतृत्व में घटना के उद्भेदन को लेकर टीम का गठन किया गया है और जल्द ही 3 मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। एसएसपी ने कहा कि दीपक यादव हत्याकांड और छठवर्ती महिला की हत्या मामले में थाना में दर्ज आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया गया है, जबकि धूरी यादव हत्याकांड मामले में पुलिस जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। बैठक में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, डीएसपी निशार अहमद, इंस्पेक्टर एवं थाना अध्यक्ष मौजूद थे। भागलपुर डीआरडीए सभागार में सोमवार को आंतरिक संसाधन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस दौरान जिले भर में चल रही योजनाओं की डीएम ने समीक्षा की, साथ ही लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश अधिकारियों को दिया। डीएम ने राजस्व वसूली में तेजी लाने, जिले में चल रही योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक जिलाधिकारी एडीएम राजेश झा राजा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। एएसपी अभियान ओम प्रकाश सिंह के निर्देश पर एसएसबी इंस्पेक्टर जीडी इमना, लैपचुक आऊ एवं आनंदपुर थाना अध्यक्ष सतीश कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर फरार हार्डकोर नक्सली शंकर तुरी को पहाड़िया गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली पर आनंदपुर थाना में कई गंभीर मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार नक्सली शंकर तुरी मंटू खेरा गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वर्ष 2017 में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ महिला नक्सली पर्वतिया देवी को शंकर तुरी के साथ गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर प्रदीप खास मोविन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसव वार्ड, आईसीटीसी, परिवार नियोजन एवं ऑपरेशन थिएटर की जांच की। टीम के सदस्यों ने सबसे पहले ओपीडी रजिस्टर की जांच की, उसके बाद अस्पताल में उपलब्ध दवा के बारे में जानकारी ली। टीम ने मरीजों से भी डॉक्टर के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे इलाज के बारे में पूछताछ की। इसके बाद टीम के सदस्यों ने नौगछिया पीएससी की जाँच की और स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इस दौरान डीएस एके शर्मा, डॉक्टर वरुण, डॉक्टर ज्योत्सना सहित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती भागलपुर में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं जयंती को लेकर विकासशील इंसान पार्टी की ओर से सोमवार को बरहरपुरा इस्लाम नगर स्थित झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों के बीच कॉपी, कलम, पेंसिल और स्पोर्ट किट का वितरण किया गया। इस दौरान पार्टी के इंजीनियर अबुल हसन, इसाचक इंस्पेक्टर संजीव सौगंद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद हलीम, हाफिज सदीक और रियाजुल ने 128 बच्चों के बीच सामग्री का वितरण किया। वहीं उपहार पाकर बच्चे भी काफी खुश नजर आए। बांका के शंभुगंज बाजार स्थित एक मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने घर से 2 नाबालिग लड़की को बरामद किया है। घटना के बाद मकान मालिक सुनील कुमार शाह, पिता भगवान शाह ने थाने में किरायेदार को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक शंभुगंज से सटे सुनील कुमार शाह ने मकान को किराए पर लगाया था। किरायेदार ने उक्त मकान में सेक्स रैकेट चलाना शुरू कर दिया। सोमवार की दोपहर जब मकान मालिक अपने घर पहुंचा तो उन्होंने घर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ लड़कों को अय्याशी करते देखा, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं सभी लड़के दीवार फांद कर फरार हो गए। इस दौरान लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शंभुगंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों नाबालिग लड़की को थाने ले आई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी।
अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजीशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894, 8210975763, 7542931524, 6200102297, बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी, आई बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के जीछो गांव में शिक्षक रवि मल्लिक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के पिता पीताम्बर मल्लिक ने बेटे के ससुराल वालों पर रवि की हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल वालों ने फांसी लगाकर खुद आत्महत्या करने की बात कही। मृतक मूल रूप से मुंगेर जिला के माघोडी गाँव के रहने वाले थे और कुछ वर्ष पूर्व से जीछो में अपना मकान बनाकर रह रहे थे। मृतक के पिता ने कहा कि 2016 में रवि ने प्रेम विवाह किया था, उसके बाद से ही उसने घर जाना छोड़ दिया था। रविवार की दोपहर पड़ोस के लोगों ने बेटे की मौत की खबर मोबाइल पर दी, जिसके बाद वह सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के बाहर लावारिस अवस्था में शव पड़ा देखा। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। कल 3 बजे शाम फोन गया, आसपास के लोगों ने फोन किया, आपके बच्चे को मार दिया। हम वहां से जो है कार लिए और उसे भागे। यहां जब आए तो मालूम हुआ कि मायागंज में पुलिस ले गया है, लेकिन यहाँ आए तो देखा कि लावारिस की तरह लाश फेंका हुआ था। जब हमने प्रशासन से बात किया कि लाश को यहाँ एंट्री किसने किया, यहाँ कैसे आया, बोला पुलिस लाया, लोधीपुर पुलिस लाया, लेकिन लोधीपुर पुलिस नहीं लाया, उस लाश को मारने वाला वही लोग जो है ला करके यहाँ रखा था। हो ही गया, उसके बाद ही लोग मेरे ऊपर बदसलूकी करना शुरू कर दिया। ये लोग आदमी था बाहर में, वो लोग मारने पीटने के लिए दौड़ने लगा, तो मारने पीटने के लिए दौड़ने लगा तो हम बोले ये लोग को शांत रहो, शांत रहिए आप, इस तरह से मत कीजिए। भागलपुर के नाथनगर में कौसकी झा लेन स्थित व्यायाम कला केंद्र का 94वां स्थापना दिवस रविवार की देर शाम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्रों ने व्यायाम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही छात्रों ने तलवार, लाठी, भाला, कराटे एवं वेट लिफ्टिंग की विद्या से व्यायाम को शरीर को स्वस्थ रखने के गुर बताए। कार्यक्रम का शुभारम्भ लड़कियों के लेजियम ड्रिल एवं मसाल पीटी से हुई। इसके पूर्व संस्था के संस्थापक रहे चंद्रशेखर मिश्र के चित्र पर नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार, ADM राजेश झा राजा, नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, फादर वर्गीस, प्रशांत विक्रम एवं संस्था के सचिव संजय झा ने पुष्प अर्पित कर किया। संजय झा ने कहा कि व्यायाम का उद्देश्य युवाओं का चरित्र निर्माण और अनुशासन में रहने की शिक्षा देता है। इस मौके पर डॉक्टर जनार्दन झा, ट्रैफिक DSP RK झा, डॉक्टर मधुसूदन झा, संजय अग्रवाल सहित काफी संख्या में व्यायाम कला केंद्र के छात्र मौजूद थे। भागलपुर सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड नए भवन में शिफ्ट हो गया है। नए भवन में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं, जबकि बेडों की संख्या भी बढ़ गई है। साथ ही मरीजों को इलाज कराने में काफी सहूलियत हो रही है। पहले ही दिन अस्पताल में 16 महिला मरीजों को एडमिट किया गया। नई व्यवस्था से मरीज के परिजन भी काफी संतुष्ट नजर आए। CS डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि नए भवन में भर्ती मरीजों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में जीत का अंतर काफी कम रहा, इसको लेकर सोमवार को लहरी टोला स्थित श्राद्धर्म साला में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन जीत का अंतर काफी कम रहा, जिसकी समीक्षा की गई। 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में राज्यसभा सांसद काकाशा परवीन, विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, पूर्व मेयर दीपक भुवानिया, वर्ष किशोर सिंह, अर्जुन प्रसाद शाह, शमीम रिजवी सहित काफी संख्या में जदयू नेता मौजूद थे। आज की बैठक मुख्य रूप से
नाथनगर विधानसभा चुनाव जो हुआ और इसमें हम लोगों ने जीत हासिल की, माननीय लक्ष्मीकांत मंडल के हमारे विधायक चुने गए, चुनाव में क्या कमी रही, क्या चूक हुई जो हम लोग इतना कम वोट से जीते, इसी की समीक्षा के लिए समूचे विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख साथियों को बुलाया गया है, सारे प्रखंड के अध्यक्ष हो गए माननीय हमारे नेता लोग, सब लोगों से यह विचार लिया जाए कि आखिर कहाँ चूक हुई, जो अगले चुनाव में हम लोग फिर उसमें सुधार लाएं और भारी मत से फिर हम लोग चुनाव जीते। बांका के अमरपुर प्रखंड परिसर में सोमवार को उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को बांका एसडीओ मनोज कुमार एवं जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से POS यंत्र संचालन एवं वितरण हेतु प्रशिक्षण सा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को उपभोक्ताओं के बीच 100% खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर वीडियो सरस्वती कुमारी, CEO सुनील कुमार साह, प्रमुख मंजू देवी, आपूर्ति पदाधिकारी कमल जायसवाल सहित काफी संख्या में डीलर मौजूद थे। भागलपुर TNB कॉलेज के 11 कर्मियों के वेतन पर लगे रोक से नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों की रजिस्ट्रार से नोकझोंक भी हुई। कॉलेज के पूर्व SO अमरेंद्र झा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कॉलेज कर्मी की मिलीभगत से 11 कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि बिना कुलपति के अनुमति के ही उन लोगों के वेतन पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर वेतन का भुगतान जल्द नहीं हुआ तो आगे जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। जिनकी सेवा को महामहिम कुलाधिपति के आदेश, उच्च न्यायालय में CWJC का आदेश और फिर उच्च न्यायालय के द्वारा ही अमानाबाद में वर्ष 2007 में इन आदेशों के आलोक में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के द्वारा 1/87 की प्रभावी तिथि से इनके सेवा को समांजित कर दिया गया और ये मामले 99 से लेकर के यहाँ तक पहुँचा था। बाकी सारे बकाए का चेक रात के 10:30 में 68 लाख रुपए का चेक विश्वविद्यालय ने निर्गत किया और उच्च न्यायालय में जाके विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव और राज्य सरकार की ओर से विशेष सचिव के मुख्य सचिव के बिहाव में डायरेक्टर ने वहाँ काउंटर एफिडेविट किया, मेरे मामले निपटा दिए गए। 2009 में राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को एक पत्र भेजा कि आपने हमें भ्रामक तत्व दिखा करके इन 14 कर्मियों का सेवा समर्पण किया। भागलपुर SSP आशीष भारती के निर्देश पर अपराधियों एवं शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 30 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 12 लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं 10 लीटर देसी शराब एवं 433 वाहनों की जाँच की गई, जिससे 20,500 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। भागलपुर SSP सार नौगछिया के प्रभारी SP आशीष भारती के निर्देश पर सोमवार को पुलिस जिला नौगछिया के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहनों के कागजात की जांच की गई, साथ ही ट्रैफिक नियम उल्लंघन में कई वाहन चालकों से जुर्माना की राशि वसूल की गई। कहलगांव अनुमंडल के सनौला प्रखंड स्थित धोबी जगन्नाथपुर गांव के समीप गेरुआ नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग को लेकर रविवार को मधुसूदनपुर उच्च विद्यालय परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमडंडा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भवेश कुमार मंडल ने किया। आम सभा के दौरान पुल निर्माण को लेकर समिति का गठन किया गया, साथ ही प्रत्येक गाँव में जनसंपर्क अभियान चलाकर कमेटी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की बात कही गई, जिससे लोग पुल निर्माण को लेकर समर्पित भाव से काम कर सके। भवेश मंडल ने कहा कि पुल निर्माण की मांग को लेकर कई बार क्षेत्र के विधायक एवं सांसद को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को हमेशा ठगने का काम किया है। ग्रामीण डॉक्टर गणेश दत्त कुशवाहा ने कहा कि वर्षों से गेरुआ नदी पर पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन इस दिशा में अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि को जनता सबक सिखाएगी। मंच का संचालन गोपाल मंडल ने किया, वहीं आम सभा में 12 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। इस मौके पर सुदामा प्रसाद सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, सज्जाद आलम, चुनचुन मंडल, गोपी यादव, बिंदेश्वरी प्रसाद सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर SSP आशीष भारती ने समाज सेवी धूरी यादव हत्याकांड मामले की समीक्षा, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का किया दावा।
भागलपुर डीआरडीए सभागार में आंतरिक संसाधन की हुई बैठक, डीएम ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश। बांका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हार्डकोर नक्सली शंकर तुरी को पुलिस ने पहाड़िया गांव से किया गिरफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल का किया निरीक्षण, दवा से लेकर इलाज तक की ली जानकारी। और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर गरीब बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का हुआ वितरण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।